OTT के कंटेस्टेंट्स ऑडियंस को अपने झगड़े, लव एंगल्स और बहुत सारे ड्रामे के साथ एंगेज रख रहे हैं। अरे भाई, बिग बॉस के नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आती है? हंगामा, हंगामा और हंगामा। तो बस क्या था, हो गया हंगामा। नेहा भसीन और प्रतीक के बॉस लेडी और बॉस मैन बनते ही घर में दो ग्रुप बट गए। ग्रुप वन, मिलिंद गाबा, अक्षरा सिंह और दिव्या अग्रवाल। ग्रुप टू, नेहा, प्रतीक, शमिता, राकेश, मूस और निशान। ग्रुप वन ने तो ये ऐलान कर दिया कि भाई हम घर का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, फिर चाहे हमें भूख हड़ताल पर ही क्यों ना रहना पड़े। दिव्या अग्रवाल, जो कि शो में अब बिना किसी साथी के साथ खेल रही हैं, हर किसी से उलझती हुई नजर आती रहती हैं। बिग बॉस ने जब जोड़ियों को आपसी सहमति से एक जोड़ी को नॉमिनेट करने को कहा, तो वो यहाँ पर भी तालमेल नहीं बिठा पाए। बिग बॉस ने सभी को सजा सुना दी। इसके बाद शमिता शेट्टी और उनके गुड बॉय, अरे वही राकेश बापट, ने ये कह दिया कि वो सजा नहीं स्वीकारेंगे। अरे भाई, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो सजा क्यों भुगते? लगता है ये कंटेस्टेंट अपने आप को बिग बॉस से भी बड़ा समझने लगे हैं। तभी तो बिग बॉस के आदेश का भी पालन नहीं करना चाहते। अब आप शमिता शेट्टी और राकेश बापट के लव एंगल को तो देख ही रहे होंगे। अब शमिता ने जब राकेश को बोला कि मेरे साथ यहाँ बैठो, तो वो यहाँ बैठ जाते हैं, मुझे किस करो तो किस कर देते हैं, तो भाई लगता है उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कौन सी जोड़ी अपना बॉन्ड बनाए रखती है और कौन सी टूट जाती है। खैर, जाते जाते आपको एक सीक्रेट भी बता देते हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी आ सकता है। सो दिस इज मी नुपुर गुसाई साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिग बॉस के नए तड़के के साथ। ABP News, आपको रखे आगे।